हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी को आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम ये तो बात करेंगे कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी हमें कहाँ मिल सकती हैं, कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। बट मैं आपको अपनी एनसीईआरटी के भी कुछ पन्ने दिखाऊंगा जहाँ पे जो मैंने अपने अटेम्प्ट में यूज़ करी थी एंड मैं उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करता था। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। मैंने IIT दिल्ली से 2014 में सिविल इंजीनियरिंग करी थी। मैंने UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2 बार क्लियर किया है। मेरी 2017 में 653 रैंक थी और 2018 में मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आया था। करंटली आई एम नॉट इन सर्विस एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई NCERT क्यों पढ़ी जाती हैं। सो हमेशा ये याद रखिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करनी है। अगर आप सीधा चाहोगे कि आप यहाँ कूद जाओ तो इट बी वेरी डिफिकल्ट एंड देर आर, मतलब ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बहुत कुछ लोग करते भी हैं, बट वो उन लोगों का बैकग्राउंड होता है इस एरिया में, वो पहले से कुछ तैयारी कर रहे होते हैं या वो पहले से इस तरह का काम कर रहे होते हैं। बट इन जनरल वॉट यू नीड टू डू इज गो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड इस तरीके से हम जाते हैं। सो NCERT एक्ट एज अ इंट्रोडक्शन। NCERT जनरली आपने सुना होगा क्लास 6 to 6 ऑनवर्ड्स करनी चाहिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी NCERT करनी चाहिए। बट द आइडिया इज कि यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द सब्जेक्ट। क्लास 6 में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी दैट विल बी बिल्ट अप इन 7th, 8th, 9th, 10th till 12th, एंड देन इवेंचुअली जब आपने 12th तक की NCERT कर ली हैं देन यू विल स्टार्ट डूइंग द रेफरेंस बुक्स। सो NCERT आर द गेटवे टू रेफरेंस बुक्स। कि आपने एक सब्जेक्ट में जिसके साथ आपने शायद टाइम स्पेंड नहीं किया है अभी कुछ टाइम से, या अगर आपने किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। द आइडिया इज कि इवन इफ यू आर अ बिगिनर, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ाया जाएगा ताकि जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप सीधा जाके रेफरेंस बुक उठाते हो तो यू कैन गेट कन्फ्यूज समटाइम्स, बट जब आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो इट इज ईजियर टू हैंडल द सब्जेक्ट्स। नाउ NCERTs कहाँ मिलेंगी? दिस इज द लिंक, अवेलेबल ऑनलाइन है। आप NCERTs PDF ऑनलाइन गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग दिस इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे इस लिंक को देख सकते हैं एंड यू कैन फाइंड ऑल द NCERTs फॉर ऑल द क्लासेस इन इंग्लिश एंड इन हिंदी ओवर देयर। नाउ हाउ टू स्टडी NCERTs। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ याद रखनी है दैट NCERTs आर योर गेटवेज, NCERTs फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। Preferably, you should not make notes from NCERTs. NCERTs के नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। NCERTs सारी आप पढ़िए समझने के लिए एंड देन यूज द रेफरेंस बुक्स फॉर नोट्स। जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, अगर आपको जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स की रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आई ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन द सिलेबस, आप उन वीडियोज को जाके देख सकते हैं। तो रेफरेंस बुक्स से मैं प्रेफर करूंगा या मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स बनाएं ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो NCERT से कवर हो तो गई ही हैं, आपको उसके अलावा भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहे। देन यू नीड टू रिमेंबर कि यू कैन स्क्रिबल इन योर बुक्स। आप अपनी किताबों को, कई लोगों की आदत होती है, जैसे पहले मेरी भी आदत थी कि भाई किताब को एकदम साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल गंदा नहीं करना है। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट ऑफ बुक्स इज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, एंड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर को अगर आपको लिखने या गचड़ पचड़ करने से या अपनी किताब में गंद मचाने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो पा रही है या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन हो पा रही है, सो इट इज़ कम्प्लीटली समथिंग दैट यू कैन डू। तो जो मन आए वो लिखो। सो फॉर इंस्टेंस मेरी अगर किताबों को देखा जाए, सो दिस इज क्लास 11th जियोग्राफी की NCERT, एंड इसमें आप देखोगे तो मैंने मार्जिन्स में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस अटल टनल, SP मुखर्जी टनल, चिनाबी नाशरी टनल, जो कि मतलब हिमालयाज में कुछ टनल्स इंडिया बना रहा है, तो इन टनल्स के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। देन आई यूज दिस एक्रोनिम KLZGPS, ये मैंने यूज किया था कि नॉर्थ टू साउथ माउंटेन रेंजेस याद करने के लिए। सो दिस इज काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल एंड शिवालिक। तो KLZGPS एक सिंपल सा एक्रोनिम हो गया, नॉर्थ टू साउथ मुझे सारी माउंटेन रेंजेस इसकी वजह से याद हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी NCERTs को इस्तेमाल कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखें,
तो फॉर इंस्टेंस ये वही 11th की एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, इसमें बायोस्फेयर रिजर्व्स का ये मैप दिया हुआ था। तो इसके साथ साथ मैंने क्या किया, नेचुरल हेरिटेज साइट्स को भी इधर ही मार्क कर दिया, ताकि जो इंडिया में 10 बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं एंड 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं प्लस 1 जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट, तो जैसे कंचनजंगा जो है यहाँ पे उसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने एक मैप के थ्रू अपनी याद कर ली, एंड बार बार मैं इस मैप को देखता रहूँगा तो मुझे ये सारी याद हो जाएंगी। एंड इस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी को यूज़ कर सकते हो। नाउ दिस इज़ फॉर इंस्टेंस क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, एंड इसमें फॉर इंस्टेंस एलोरा केव्स का जो सेक्शन है, तो ये 1.5-2 पेज का जो पूरा सेक्शन था उसकी समरी मैंने यहीं की यहीं साइड में लिख दी कि एलोरा केव्स वर इनका निर्माण 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी हुआ था। देर आर 34 केव्स, बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल जैन केव्स, ट्रिपल स्टोरी केव्स, स्कल्पचर एंड पेंटिंग दोनों हैं, कैलाशनाथ टेम्पल यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। तो एलोरा केव्स के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। ऑब्वियसली देर सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बट मजॉरिटी क्वेश्चंस ये बहुत ही छोटे से एक बॉक्स की से मैं कर सकता हूँ। अब तो इस तरीके से इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन योर एनसीईआरटीज। आपको जो चीज़ें याद करनी है आप वहीं की वहीं करो, ताकि आपको जब इन्हें रिव्यू करना हो, जब आप दोबारा देख रहे हो, तो आपके लिए भी काम आसान हो जाए। नाउ विच एनसीईआरटीज डू यू नीड टू डू, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी क्लास 6 टू 12th की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड हेयर साइंस फॉर क्लास 9 एंड 10 एंड मैथ्स फॉर 9 एंड 10। तो साइंस और मैथ जो है ये बेसिक आपको चाहिए, मैथ्स का जो है ये आपके सीसैट के लिए है, एंड साइंस का जो है दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको जो साइंस एंड टेक का रिक्वायरमेंट है एग्जाम में, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स और करना पड़ेगा। दिस इज नॉट सफिशेंट बट दिस इज अ स्टार्ट। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर ओल्ड एनसीईआरटीज या न्यू एनसीईआरटीज करनी चाहिए, तो हिस्ट्री के लिए दोनों करो, बोथ। वाई? बिकॉज जो न्यू एनसीईआरटीज हैं फॉर हिस्ट्री फॉर क्लास 12th, देयर फॉर आर्ट एंड कल्चर, तो वो भी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप जो ओल्ड एनसीईआरटीज करोगे फॉर हिस्ट्री, सो दोज विल कवर योर एंशंट एंड मेडिवल। तो बोथ ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज आप हिस्ट्री के लिए कर सकते हो, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए सिर्फ नई एनसीईआरटीज। देन 9th एंड 10th इकोनॉमी प्लस साइंस प्लस मैथ्स, देन क्लास 11 12th के लिए ये तीन बेसिक, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड फाइनेंस। सोशियोलॉजी किस लिए, पेपर 1 GS1 में सोशियो इंडियन सोसाइटी का पार्ट आता है, तो वो पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। साइकोलॉजी किस लिए, एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि यहाँ से आपको थोड़े बहुत मिल सकते हैं। एंड फाइन आर्ट्स इज फॉर आर्ट एंड कल्चर। तो ये बेसिक एनसीईआरटीज हैं जो आपको कवर करनी है। कहाँ से करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट गूगल एनसीईआरटीज PDF, गवर्नमेंट की ऑफिशियल सॉरी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आया, इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।